जय श्री राधे कृष्णा जी। ये देखिए आज हमने बनाई है ये रबड़ी मलाई कुल्फी, बिल्कुल ही एक नए और अलग अंदाज में बनी हुई है ना, बड़ी अच्छी सी। देखने में देखते ही खाने का मन कर रहा है ना। तो देखिए कि हमने कैसे बनाई है रबड़ी मलाई कुल्फी, बिल्कुल ही जैसे कि अभी अभी हम बाजार से लेकर आए हों। लेकिन ये बाजार से ज्यादा नीट एंड क्लीन होती है जो भी चीजें हम घर में बना लेते हैं। तो आइए देखते हैं ये हमने कैसे बनाई है, शुरू करते हैं अपनी कुल्फी बनाना। ये हमने 1 किलो गाय का फुल क्रीम बिना मलाई उतरा हुआ दूध उबलने के लिए रखा था और इसको जला जला के दूध को हमने आधे के आसपास कर लिया है। ये अब हमारा आधा किलो के आसपास ही दूध बचा हुआ है और ये इतनी गाढ़ी हमारी रबड़ी बन के तैयार हो गई है आइसक्रीम के लिए। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। इस पैन में हम आधा कप चीनी डालेंगे। कुल्फी के अंदर चीनी ज़्यादा ही अच्छी लगती है, लेकिन अगर चीनी बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर हमारी कुल्फी जमती भी नहीं है। तो अब इस चीनी को हम कैरेमलाइज करेंगे। गैस नीचे से हमने ऑन कर दिया है और इसको भी ऐसे ही गर्म होने देंगे। चीनी को स्लो मीडियम गैस पे हम चीनी को अभी अपने आप मेल्ट होने देंगे। अभी हम इस चीनी को हिलाएंगे नहीं, थोड़ा जब नीचे से मेल्ट होना शुरू होगी तब हम इसको थोड़ा सा घुमाएंगे चीनी को। ये चीनी हमारी कैरमेलाइज होनी शुरू हो गई है, पिघलनी शुरू हो गई है। अभी हम इसको अपने आप ही पिघलने देंगे। जहाँ पे चीनी कम है वहाँ पे हम सूखे दाने ऐसे सरका देंगे थोड़े से। ये चीनी ने रंग पलटना शुरू कर दिया है, अब हम इसको थोड़ा हिलाएंगे नहीं तो हमारी चीनी एक जगह से जल जाएगी। थोड़ा सा हिला के चीनी को हम पूरी को अच्छी तरह से घुल जाने देंगे। जब हम कुल्फी के अंदर चीनी कैरमेलाइज करके डालते हैं तो ये कुल्फी के टेस्ट को बहुत ही एनहांस कर देती है। चीनी के कैरमेलाइज होते हुए हमें इसको स्पून से ज़्यादा हिलाने की जरूरत नहीं होती है, बस ऐसे ही ये अपने आप और डार्क कलर की हो जाएगी। बस हमें इसको जलने से बचाना होता है, जलनी नहीं चाहिए बस हमारी चीनी। चीनी हमारी अच्छे से कैरमेलाइज हो चुकी है, गैस बंद कर देंगे और अब हम कैरमेलाइज्ड शुगर को जो हमने दूध तैयार कर रखा है उसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से हिला के चीनी को इसके अंदर मिला लेंगे। हमने टेस्ट करके देखा इसमें चीनी हमारी थोड़ी सी कम है तो हम इसमें 2 टेबलस्पून के आसपास चीनी और डालेंगे। अब ये चीनी हमने बिना कैरमेलाइज करे ही इसके अंदर मिला लिया है। अपनी इस रबड़ी को ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे। ये कुल्फी का मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है, इसको हम एक पोट में डाल के मिक्सी के और ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने से हमारे इस कुल्फी के मिक्सचर में झाग से बन गया है, जिससे हमारी कुल्फी बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट जमेगी। अब इसको हम एक बार इसमें डाल के पोट में इसके ऊपर एक ये ढक्कन लगा के फ्रीजर में रख देंगे जब तक ये आधी जमी सी ना हो जाए। आधी जमी हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको एक बार निकालेंगे, फिर दोबारा से ग्राइंड करेंगे मिक्सी के जार में। ये हमारी कुल्फी ऐसे आधी जमी सी हो गई है, नरम नरम सी थोड़ी। अब हम इसको इस मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में पलट के दोबारा से इसको एक बार ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने से हमारी ये कुल्फी फ्लफी सी हो जाएगी बहुत ज्यादा। हमारी कुल्फी का टेक्सचर कैसा बढ़िया हो गया, इसके अंदर ये झाग झाग बन गए हैं। ये हमने बादाम क्रश करके रख रखे हैं। अब हम इस मिक्सचर के अंदर ये 2 चम्मच के आसपास बादाम का पाउडर डाल देंगे और थोड़ी सी हम डालेंगे इसके अंदर ये बड़ी वाली इलायची के दाने। इलायची के दानों से कुल्फी का टेस्ट लाजवाब हो जाता है। अब हम इनको सिंपली चम्मच से मिला देंगे और ये हम अपने सांचों में भर के फ्रीजर में रख देंगे। थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे ये टूटी फ्रूटी।
इनको ऐसे अभी हम सांचों में भर लेंगे, लिड से कवर करके ये आइसक्रीम स्टिक इसमें लगा देंगे। और इनको फ्रीजर में जमने के लिए छोड़ देंगे ओवरनाइट। अगर आपके पास इस तरह के ढक्कन वाली आइसक्रीम के मोल्स ना हो तो आप ऐसे इसके ऊपर फॉइल लगा सकते हैं, फॉइल से कवर करके। ऐसे अच्छे से कवर हो गया है, नहीं तो आप यहाँ पे एक रबड़ भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। एक ही ऐसे रबड़ बैंड लगा देंगे। ऐसा करने से आइसक्रीम में बर्फ के क्रिस्टल्स नहीं जमते। चाकू से छोटा सा कट लगा के और इसके अंदर आइसक्रीम स्टिक खड़ी कर देंगे। ओवरनाइट फ्रीजर में जमने के लिए छोड़ देंगे। ये हमारी आइसक्रीम जम गई है, अब हम इनको अनमोल्ड करेंगे। आइसक्रीम को एक बार ऐसे पानी में थोड़ा सा घुमा लेंगे। ये हमारी आइसक्रीम बड़े आराम से निकल आई है। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी आइसक्रीम जम के तैयार हो गई है। ये हमारी गिलास वाली आइसक्रीम भी बड़े अच्छे से जम गई है। थोड़ा सा बस गिलास को पानी में एक बार डालेंगे और ये हमारी आइसक्रीम निकल के बाहर आ गई है। ये हमने थोड़े से काजू, बादाम, पिस्ता सब काट के रखे हुए हैं, इसके ऊपर ऐसे लपेट के खाने के लिए सर्व करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। इसी तरह से हम अपना दूसरा गिलास भी अनमोल्ड कर लेंगे। और आप चाहें तो हमने थोड़ी सी रबड़ी बचा के रखी हुई थी, उस कुल्फी जमाई थी जब, ऐसे उस रबड़ी में डिप करके भी आप ये सब इसके ऊपर लगा सकते हैं। रबड़ी ऊपर से लगने के बाद तो इस कुल्फी का टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाता है। तो ये देखिए ये हमारी रबड़ी मलाई कुल्फी बिल्कुल बाजार के जैसी बनके तैयार हो गई है। रबड़ी में डिप करेंगे इसको और फिर हमने जो ये पिस्ता, बादाम सब काट के रख रखे हैं इनके ऊपर लगा के और इसको ऐसे सर्व कर देंगे। ये देखिए ये हमारी छोटी और वो थोड़ी बड़ी कुल्फी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए ये हमारी रबड़ी मलाई कुल्फी बिल्कुल बाजार स्टाइल बनके तैयार हो गई है। तो अगर आपको मेरा ये रबड़ी मलाई कुल्फी का वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।